जिसके सामने आपको खुद को कभी कुछ साबित करना ना पड़े, ऐसा इंसान जिंदगी में होना चाहिए। बाकी शक तो पूरी दुनिया करती है। जब कोई रिश्ता जोड़ते हो ना, तो सोच लिया करो, कुछ भी हो जाए इसे टूटने नहीं देंगे। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। किसी जमाने में एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम सुलगती ज्यादा है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती, उन्हें खुद के अंदर ही रखने में सुकून मिलता है। लोग बदलते नहीं, बस हम उनकी जरूरतें नहीं पूरी कर पाते, शायद इसलिए वह हमें छोड़ जाते हैं। वहम मत पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। खुश रहने के मूल मंत्र, मन मिले जिससे, रिश्ता रखो उसी से। जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जीवन में तकलीफें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे बनाना नहीं। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी ना जाए। कभी आपने यह भी महसूस किया है, जब आप किसी को दिल से अपना मानना शुरू करो और तभी वही लोग बदलना शुरू कर देते हैं। रिश्ते अब कौड़ियों के दाम बिकने लगे हैं, सच्चे कम और मतलब वाले ज्यादा तुलने लगे हैं। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी घर में नहीं आती। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसू से बचे जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। झूठ धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में, कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि इसमें कोई उनका स्वार्थ है। दुनिया मतलबी है, बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए और अच्छे बनो और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा, बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर होता है। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है।
जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे, तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे ये एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है, हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता हो तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका हाथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है, वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हो। हजारों में से मुझे सिर्फ वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की।